हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ओरियन पेपर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेपर एंड अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉस्टिक सोडा लाई, सीएस फ्लेक्स, लिक्विड क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 855 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 210 की पी है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। कंपनी की आरओसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 40.6% है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 0.62% है एंड फेस वैल्यू 1 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 227 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 214 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 143 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7.55 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.23 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 11.69 करोड़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इनकम ग्रोथ की तरह। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे इम्प्रूवमेंट दिखाई है। कंपनी की हर एक ग्रोथ सितंबर क्वार्टर की पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। कंपनी ने धमाकेदार रिजल्ट किया है इन सितंबर रिजल्ट दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 8 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 8 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने NDIS ने सेलिंग की है एंड FIIs ने बाइंग की है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 45.21% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके साथ साथ ROCE, लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड कंपनी की कैश फ्लो, ये चारों चीजें इस कंपनी में नेगेटिव में है। तो ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटली वीकर साइड पे ही है। एंड हाँ, ये सच है कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिखाई है, तो उसके बेसिस पे आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड तो इस कंपनी में ले सकते हो। लेकिन अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स देखा जाए तो ये कंपनी फंडामेंटली वीक है, मैक्सिमम चीजें इस कंपनी में नेगेटिव में ही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो ही इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना, अदरवाइज शॉर्ट टर्म ट्रेड लो एंड प्रॉफिट्स एंजॉय करो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहां पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडर्स का सीन समझा देता हूँ। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेक्टेंगल पैटर्न। इस रेक्टेंगल पैटर्न की ब्रेकआउट के बाद जब ये कंपनी रिट्रेसमेंट शो करेगी, रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग अप्रोक्सीमेटली 53 रुपीज के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड ले सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर इस कंपनी की ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है इसकी ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ हो जाती है तो ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और अगर बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 200 की मूविंग एवरेज। और ये भी हो सकता है कि कंपनी 35.5 रुपीज के लेवल से भी सपोर्ट ले ले, तो सिंपली जिस प्राइस पॉइंट से ये कंपनी सपोर्ट लेगी उस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को एंट्री प्लानिंग करनी है फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस, and definitely guys, stay safe.